find the slope and y intercept of the following lines. तो तीन इक्वेशन आपको दी गई हैं स्ट्रेट लाइन की, और देखिए एक क्योंकि हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं चीजों को. लाइन की इक्वेशन अगर आप ऐसे लिख पाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस केस में y और x तो वेरिएबल्स हैं, जो भी आप मान लीजिए कि आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसमें जो भी x और y की वैल्यूज होती है कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए सपोज है 2, 3, तो 2, 3 y और x को सेटिस्फाई करेगा, बट m और c कॉन्स्टेंट होंगे. इन कॉन्स्टेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, m को बोलते हैं स्लोप और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट. स्लोप y इंटरसेप्ट. तो अब इसीलिए इसको इस पूरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. क्या बोलते हैं बच्चों? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. तो हमें क्या करना है कि इसको कुछ इस तरह बनाने की कोशिश करनी है. तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल रीअरेंजमेंट है. x माइनस वन ऐसे ही बना रहने देंगे, 2y को इधर ले जाएंगे. हम चाहें तो 2y इज इक्वल टू x माइनस वन कर दें, मतलब एक ही बात है, इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, और y ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दें तो 2 नीचे आ जाएगा. 1/2x लिख रहा हूं मैं, ठीक है, -1/2 ऐसे. तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो अब ये m है तो 1/2 ही m होगा, therefore m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2. c कैसे -1/2 हो गया, यहां c है और ये पूरा साइन के साथ हम लोग लेते हैं. तो m क्या हो गया, स्लोप हो गया, और c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि हमारा स्लोप क्या है 1/2 और हमारा y इंटरसेप्ट क्या है -1/2. तो ये दोनों जो बातें हैं ये आपके आंसर्स हो गए. इसी तरह अब हम लोग बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे. अब देखिए काफी आसान है, आप चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं. ओके, अब यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, इस बार थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं. आप सब जगह -5 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि हमें y को अकेला करना है ना, तो आप सब जगह -5 से डिवाइड कर दीजिए. चलिए मैं करके दिखा रहा हूं क्या हो रहा है. तो अब यहां -5y है तो डिवाइडेड बाई -5y, यहां -9 है डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू 0. तो देखिए ये कैसा अब आपको दिखने लगा, -4/5 एक्स, -5 -5 कट जाएगा तो ये +y आ जाएगा और ये 9/5 आ जाएगा. ऐसे भी आप कर सकते थे जैसे मैंने किया था, बट थोड़ा सा नया तरीका, कोई बहुत विशेष बात नहीं हो रही है यहाँ पे. देखिए ये इस साइड आ जाएगा और यहाँ पे आ गया -9/5. फिर वही बात बोलेंगे, कंपेयर विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, therefore m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, देखिए m कितना आ रहा है यहाँ पे 4/5. दूसरी बात क्या आ जा रही है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ये क्या हो जा रहा है, ये c होता है, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9/5. तो ये दोनों जो बातें हैं हमारी ये हो जा रहे हैं हमारे आंसर्स. अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं.
अब बस सिमिलर है सब कुछ, तो इसको और थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पहले से थोड़ा सा फायदा है, 5y is equal to minus 3x minus 7, y is equal to minus 3 by 5, x minus 7 by 5, y is equal to mx plus c, तो m कितना हो जाएगा, m is the slope, slope कितना आ रहा है बच्चों, minus 3 by 5, और c जो कि है हमारा y intercept, वो कितना आ रहा है, -7/5। तो ये दोनों बातें भी हमारे थर्ड पार्ट के आंसर्स हो जा रहे हैं। अब आगे उसी तरह के सवाल हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहां पर ज्यादा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर यहां पर y बाई फोर आप बना रहने दीजिए, इसको इस तरफ ले जाइए, माइनस एक्स बाई थ्री प्लस वन। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है, तो फोर नीचे से गायब हो जाए, इसलिए आप ओवरऑल फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस फोर, ये फोर गायब हो गया, फोर को उस तरफ ले गए, ऐसा समझ सकते हैं। और अब यहां पे आप लिखिए कंपेयर विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप यहां पे देखिए m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए इस पार्ट के। और अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए x वाला टर्म है ही नहीं, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, y इज इक्वल टू प्लस 3 कर सकते हैं हम लोग, है ना। और आप और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके 0x प्लस 3 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अब आप फिर से कंपेयर, तो ये mx प्लस सी टाइप बन गया, कंपेयर विद क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, ऐसा आप आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। बट देखिए लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है वहां पर डिफिकल्टी ये है कि वहां तो y है ही नहीं। चलिए ट्राई करते हैं, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, है ना। और अगर आप यहां पर 0y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 करेंगे, तब भी आप कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इस तरह की चीज में हमें जाना पड़ेगा ग्राफ पर। तो आप ग्राफ में अगर देखें तो अब एक और बात आ जाती है कि भाई x इज इक्वल टू 3 टाइप की ये लाइन है। अगर हम लोग x एक्सिस में बनाते हैं तो हमारी ये लाइन ऐसे आएगी, x इज इक्वल टू 3, कैसे आएगी, इस तरह। थोड़ा कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को भी स्टडी करते हैं। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 3 है, इसका ग्राफ आप देखिए क्या होगा। उसी तरह ये y में पॉजिटिव है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो एक और बात हमें जाननी चाहिए कि m जो स्लोप है वो होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल। अगर कोई भी रैंडम हम लोग लाइन बना लेते हैं तो जो कोई भी एंगल बना रही है, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द x एक्सिस।
तो अब देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसका जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री। तो एम इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री कितना होता है, टेन 0 हो जाएगा 0। इसीलिए एम इज इक्वल टू 0 हमारा यहां से इक्वेशन से भी आ रहा है। बट यहां हम लोग प्रूव या ये आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट एक बात हमें पता चल रही है क्योंकि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, थीटा इज द एंगल मेड विद द x एक्सिस, तो यहां पे एंगल मेड विद द x एक्सिस है 90 डिग्री। तो m इज इक्वल टू आप टेन 90 डिग्री लिख देंगे, तो टेन 90 डिग्री जो होता है वो होता है अनडिफाइंड। आपको बुक में m इज इक्वल टू इंफिनिटी लिखा भी मिल सकता है बट वो सही नहीं है। और आप देखिए क्योंकि ये y एक्सिस से कहीं पे भी नहीं काट रही है, क्योंकि y इंटरसेप्ट आप निकाल रहे हैं तो ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, इसका एक्चुअली x इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 3 है। तो आप लिखेंगे नो y इंटरसेप्ट, इसका कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं है। x इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, बट द स्लोप इज अनडिफाइंड एंड देयर इज नो y इंटरसेप्ट। तो हमारा ये आंसर हो गया और m इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians।